हो गया। इस क्वेश्चन में क्या है, इन फिगर इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, तो सबसे पहले देखो ए बी कहाँ पे है, ये लाइन है, और सी डी ये लाइन है, और दोनों क्या दिया हुआ है, पैरेलल दिया हुआ है, ठीक है, एंड दिया हुआ है कि ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो पहले देखो ई एफ कहाँ पे है, ई एफ ये लाइन है जो कि परपेंडिकुलर है सी डी पे। परपेंडिकुलर मीन्स ये होता है कि ये जो ई एफ लाइन है वो सी डी पे, यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है एंड एंगल जी ई डी, तो सबसे पहले एंगल फाइंड आउट को, जी ई डी कहाँ पे है, ठीक है। तो देखो जी ई डी ये वाला, ये एंगल दिया हुआ है 126 डिग्री, तो समझ में आया कि 90 कौन सा है, ये ब्लू वाला 90 है और ये पूरा क्या है 126। तो सिंपल सी बात है, अगर ये पूरा 126 है और ये 90 है, तो अगर हम 126 में से 90 को माइनस कर दें तो इस वाले एंगल के बारे में हमें पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है फाइंड एंगल ए जी ई, जी ई एफ एंड एफ जी ई, ये तीन एंगल आपको फाइंड करना है। तो ये सोचो पहले तीनों एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला एंगल देखो, एंगल ए जी ई, ए जी ई ये वाला एंगल आपको निकालना है। सेकंड है एंगल जी ई एफ, तो देखो जी यहाँ पे है, ई यहाँ पे और एफ यहाँ पे है, ये वाला एंगल, इसका तरीका मैंने बता ही दिया है। तीसरा एंगल है एफ जी ई, तो पहले देखो एफ ये है, जी ये है और ई ये है, तो एफ जी ई इट मीन्स ये वाला एंगल। अब देखो कैसे निकालोगे, तीनों चीज़ें मैंने बता दिया, ठीक है, पहले समझ लो, लिखने वाला बाद में करना, ठीक है। सिंपल ये वाला कैसे निकालोगे, पता चला 126 ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा 126 है, उसमें से 90 क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये वाला निकल जाएगा। सेकंड देखो ध्यान से, ए जी ई, ठीक है, और यहाँ देखो जी ई डी, अगर दो पैरेलल लाइन होती है, ठीक है, उसको एक लाइन ऐसे कट करता है, तो ये वाला एंगल कौन सा है, ये वाला ना, और ये वाला एंगल ये वाला, बताओ कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, जो कि क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल क्यों होगा, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन दी हुई है कि, अब देखो ध्यान से, ये एंगल आपने निकाल लिया जो कि 126 ही आएगा, ये आपने निकाल लिया 126 में से 90 माइनस करोगे 36 आएगा। तो जब ये निकाल लिया आपने, ये निकाल लिया, तो अगर ये तुम्हें पता है कि 126 है, तो ये निकालने के लिए 180 में से 126 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, लीनियर पेयर जानते ही हो। अब देखो इतना तो पता ही है कि ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल है, और जी जो लाइन है जो कट करती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं, ठीक है। देखो ये गिवन है आपका, ठीक है, ये आपका गिवन है, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, ए जी और जी ई डी, ए जी ई और जी ई डी, और तुम्हें ये फाइंड भी करना था ना, तो आराम से निकाल लो, गिवन था, इसलिए ए जी इज इक्वल टू 126 ब्रैकेट में क्या लिख दो, क्योंकि जी ई डी क्या है 126 है, तो ये वाला भी क्या होगा 126 होगा, सबसे पहले दिया हुआ जो वही निकाल लिया। एफ जी ई एफ ये वाला एंगल, मैंने क्या बताया था, इस पूरे एंगल में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है जी ई एफ इक्वल टू जी ई डी, जी ई डी 126 डिग्री माइनस एफ ई एफ ई डी, हाँ एफ ई डी, एफ ई डी कितना है 90 है, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा, ये दोनों हो गया। तीसरा ए जी ई प्लस एफ जी ई, ये एंगल और ये एंगल दोनों मिला के कितना बनाएंगे 180, जब एक 126 है तो दूसरा 180 में से 126 को क्या करोगे, माइनस कर दोगे, और एफ जी ई इक्वल टू 54 आ जाएगा। कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, लीनियर पेयर एंगल्स, क्लियर, इतना समझ में आया बेटा, थैंक यू। अरे चलो इसको फिर नोट डाउन कर लो।